हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, टॉपिक है आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो दिल से क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, अभी की हम उनकी फीलिंग्स पता करेंगे। दिल से कैसा सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, क्या इमोशंस हैं आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं, तो जो भी आएगा मैं आपको बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और उनके दिल की बातें जानने की कोशिश करते हैं आपके लिए। तो हमेशा की तरह गाइस, ये रीडिंग भी जनरल है और आप सभी को पता है कि ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी। तो ओपन माइंड रहिए, जो पार्ट आपके साथ रिलेट करता है उसको रखिए, बाकी को आप इग्नोर कर दीजिए। और अगर पूरी रीडिंग आपके साथ मैच कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं। रीडिंग किस तरह से आपके साथ मैच करेगी, इंट्यूशन को फॉलो करो। अगर मैच होता है इंट्यूशन के साथ तो फिर ये रीडिंग आपकी है। ओके, ये बेस्ट वे है पता लगाने के लिए। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप यहां तक पहुंचे आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। वाओ, पहला ही कार्ड सोलमेट का आ गया। इंटरेस्टिंग। रेनबो रिवाइवर, वी हैव सेरेंडिपिटी। ओके, सेरेंडिपिटी एंड क्रिएटिविटी, काफी क्रिएटिव दोनों ही लग रहे हो मुझे आप दोनों ही, बिकॉज यहाँ सोलमेट। ओ वाओ, यिंग एंड यांग सोलमेट भी है और यिंग एंड यांग भी है। एंड वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन, यस, फॉरगिवनेस। ओ, तो ये पर्सन सच में सॉरी फील कर रहे हैं दिल से। ये चाहते हैं कि ये आपको सॉरी बोलें, आपसे माफ़ी मांगे, जो भी इसने पास्ट में आपको हर्ट किया है जाने अनजाने में, जैसे भी, बट ये चाहते हैं कि अब आपको सॉरी कहें। और रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन आपकी। ये पर्सन आपको एक हंसता हुआ खिलता हुआ देखते हैं कि यस, आप बहुत चार्मिंग हैं, आपके अराउंड काफ़ी पॉजिटिविटी है, जब भी आपको याद करते हैं काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। ठीक है, आपके साथ सच में बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील कर रहे हैं राइट नाउ, एक सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो कभी टूट ही नहीं पाएगा, चाहे कितना भी ये अभी ना ये समझते हैं इस बात को। जितना भी दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी ही याद आ रही है पर्सन की, उतना ही फील कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको समझ आ रहा है कि इसके साथ आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता है, सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है कि इस पर्सन को सोलमेट पता है, ट्विन फ्लेम ना पता हो, लेकिन यस, कुछ आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। तो जल्दी ही इसको ये चीज़ें भी समझ में आ जाएगी, जैसे आपने जाना है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इससे पहले आपको भी कहाँ पता था, लेकिन आपको भी पता चला है, तो कहीं ना कहीं इसे भी अब पता चलेगा। ठीक है, इस कनेक्शन पर काफ़ी बिलीव होने लगा है इसको, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ, दिल से आपको याद करते हैं, आपको फील करते हैं। और इसको कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आपके बिना इसकी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि आपके साथ एक वाइब आती है, इसे एक अटैचमेंट फील होती है। आपसे दूर भागते हैं पर आप सपनों में आते हो, आपको आपसे रिलेटेड कुछ भी समझ में आ जाता है इसको, मतलब कुछ भी अगर दिख गया तो फ़ौरन इसको आपकी याद आती है। तो इस तरह से कुछ है। और आप दोनों कितने क्रिएटिव हैं ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप दोनों, इसको लगता है कि मैं जो चाहता हूँ वो आपके साथ ही पॉसिबल है, फ्यूचर में आगे क्या इसे करना है अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए यू नो एक कॉम्प्लीमेंट हैं, और आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने सपने देख सकते हैं, मतलब कंपैटिबिलिटी फील होती है इसको और अच्छा ही फील करते हैं। यहाँ पर सेरेंडिपिटी की वाइब है, कहीं ना कहीं इसने ये भी सोचा हुआ है कि मैं इस कनेक्शन को फोर्स नहीं करने वाला, भगवान ने मिलाया है तो वो आगे भी मिलाएंगे, और नसीब में अगर लिखा है तो मिलके रहेंगे, कुछ नसीब वाली वाइब्स हैं यहाँ पे। सेरेंडिपिटी लाइफ के साथ और टाइम के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो अपने आप क्लैरिटी आएगी, अपने आप पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ इस तरह से इसके दिल की फीलिंग्स मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो ये फोर्स नहीं कर रहे हैं इसको, अब इसने ना एक तरीके से किस्मत को ही चैलेंज दिया है कि अगर ये मेरी किस्मत में है तो कैसे भी मिलना होगा ही होगा, इसीलिए मुझे लगता है ये टेंशन फ्री हैं। पर ये आपको नहीं भूल सकते, ये भी बात है यहाँ पर। और देख लेते हैं और यहाँ से क्या आता है, टैरो से क्या आता है। ओके, वी हैव जजमेंट। ये कहीं ना कहीं जजमेंट का बहुत ज्यादा वेट कर रहा है ये पर्सन। फाइव ऑफ पेंटिकल्स,
वेट भी होने में थोड़ा मुश्किल, मतलब वेट पेशेंस रखने में रखा तो हुआ है लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है इसको कभी कभी। ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द मैं कांटेक्ट कर लूँ किंग ऑफ सोल्स। एंड वी हैव स्ट्रेंथ, ओके स्ट्रेंथ का कार्ड है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टावर, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, हर्मिट। गाइज यहाँ पर 888 एंजल नंबर आया है, इसको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि जजमेंट तब तक तो नहीं होने वाला जब तक ये पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, हार्डवर्क करके कुछ अचीव नहीं कर लेते, तब तक इसको लगता है कि शायद ये दूर रहेंगे, डिसेप्शन रखना ठीक है क्योंकि इसको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। दूर रखते हुए अपने आप को इसने काफ़ी स्ट्रेंथ बनाई हुई है, बिकॉज इसके लिए भी बहुत मुश्किल है आपसे दूर रहना, बिकॉज यहाँ पर एक डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके बीच में, आपकी सोल कनेक्टेड है, और ऐसे में ये जिस तरीके से आपसे दूर भाग रहे हैं तो इसको भी काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आप इसको पता है कि आप इसके लिए बहुत लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, ट्रस्टवर्थी हैं, आप जैसा पार्टनर तो इसे कहीं नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में अभी भी टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, इसको जजमेंट का बहुत ज़्यादा इसको इंतज़ार है, बेसब्री से ये इंतज़ार कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि इस टावर से जल्द से जल्द ये निपटे, ख़त्म हो इसकी ज़िंदगी से ये ड्रामा, ये उलझने, ठीक है, ये क्वेरीज, ताकि इसके लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस बने और ये आपको आपसे ये बातचीत करना शुरू कर दें, जो भी बर्डन है इसके ऊपर वो ख़त्म हो। और क्योंकि एक चीज़ इसको ये भी हर्ट करती है कि इसने आपको बहुत पेन दिया है पास्ट में, इसको ये चीज़ भी काफ़ी हर्ट करती है। यस गाइज, ये चाहते हैं आपको कॉन्टेक्ट करना, इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ भी है तो मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि आपसे प्यार करते हैं, कॉन्टीन्यूसली आपके बारे में सोचते हैं, जजमेंट चाहते हैं, काफ़ी रिग्रेट में देखो दिख रहे हैं ये पर्सन, अगर इसने आपको ब्लेम किया, आपको छोड़ दिया, चीटिंग करी हो अगर आपके साथ तो काफ़ी हर्ट है ये। इसकी सोल क्या कहना चाहती है आपसे, मैं ये भी जानना चाहूँगी यहाँ पर। इसकी सोल क्या कहना चाहती है, लेट्स सी। चेंज, इसकी सोल चाहती है कि चेंज हो, चेंज आएगा तो सब सब चीजें ठीक होगी। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ, ये चाहते हैं कि अभी लाइटर साइड में देखें, इस टावर मोमेंट से बाहर आएं, अच्छा फील करें, पर्पस पर काम करना चाहती है इसकी सोल, क्योंकि इसकी सोल इसे कह रही है अगर ये पर्पस पे काम करेगा तो ही आपका यूनियन हो सकता है। ऑनेस्टी, ये इस टाइम चाहते हैं कि आपके साथ ऑनेस्ट रहें तो ये हर चीज सही कर ही आपके पास आएंगे। फॉरगिवनेस चाहते हैं, और देखो यहां से भी फॉरगिवनेस का एक कार्ड है, इसकी सोल चाहती है कि आपसे माफी मांगे, गिले शिकवे खत्म हो यहां पर। जजमेंट चाहती है इसकी सोल भी, यस गाइस, जजमेंट चाहिए ताकि ये डिसीजन ले सके और आगे बढ़ सके, अपनी लाइफ में खुश रह सके, आपके साथ खुशियाँ इसको मिले, ये सब ये बातें सोच रहे हैं। चलिए अब यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ मैं। यू मेक मी कम्प्लीट, देखो आपके बिना तो ये इनकम्प्लीट ही हैं और आप ही इसे कम्प्लीट फील कराते हो, तो यहाँ पर क्लियर है ये बात। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, आपकी वजह से ये बेटर पर्सन बन रहे हैं डे बाई डे। यू आर वाइज एंड विटी, आपको वाइज कह रहे हैं, विटी कह रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप इस पर्सन के लिए। यू लव मी, इसको पता है कि आप इससे प्यार करते हैं। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, तो आप दोनों के बीच में बहुत कुछ कॉमन है, ये मानते हैं इस बात को। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस, आप इसके डिसीजंस की भी रिस्पेक्ट करते हैं।
यू आर जेन्युइन, आपको जेन्युइन कह रहे हैं. वी हैव यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप. तो इसको पता था कि आप तो भाई डेडिकेटेड हो, पर ये नहीं थे ना, इसलिए तो सॉरी फील करते हैं ये. यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, आपको देखो स्मार्ट कह रहे हैं, प्रैक्टिकल कह रहे हैं. यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, कभी कभी आप इसके लिए सिली थिंग्स भी करते हैं. यू आर ऑनेस्ट विद मी, तो आप इसके लिए ऑनेस्ट थे और आप इस पर ट्रस्ट भी करते थे. इसकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट की है आपने. यस गाइज, चेंज तो आ रहा है आपके पार्टनर में, नो डाउट चेंज आ रहा है इसमें. इसी के हाथ में है ये कब एक्शन लेंगे, कितना स्पीड से काम करेंगे, तो ये चीजें भी अच्छी हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा. थोड़ा टावर तो अभी चल ही रहा है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, इसी को एक्शन लेना पड़ेगा तभी इस एंजाइटी से भी बाहर आ पाएंगे. थोड़ी एंजाइटी हो रही होगी इस पर्सन को, उसको रात को नींदें भी नहीं आती हैं, तो ये रोते हैं अकेले में. आप इसके माइंड में हो और कहीं ना कहीं इसको अपने अभी बिजनेस पर, वर्क पर, स्टडी पर फोकस करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है इस पर्सन को. और आपको भी गाइस, ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही होंगी. अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है ये पर्सन, लेकिन जल्दी ही डिसाइड करेंगे, बिकॉज ये अबंडेंस अगर चाहिए, ये कनेक्शन चाहिए, तो ये करना पड़ेगा इस पर्सन को. ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है. तो काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं, अभी रिग्रेट में दिख रहे हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, और दिल से मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं. थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं इसकी ज़िंदगी में, लेकिन जल्दी ही वो सॉल्व हो जाएगी. आपके साथ सबसे अच्छी बात है कि एक डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है, एक कनेक्शन फील हो रहा है जो कभी टूट ही नहीं सकता है. एक बहुत ही ना एक स्पेशल बॉन्ड आपके साथ फील हो रहा है. तो यस, ये अच्छी बातें हैं. और अगर चैलेंज आए हैं तो अच्छी बात है, अवेकनिंग होगी, जल्दी आपके पास आएंगे. तो आप भी मैनिफेस्ट करो, ये भी कर रहे हैं, जल्दी ही आप टेंशन फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना. अभी के लिए बस इतना है गाइज, बाय, टेक केयर.